हाय गाइस, वेलकम टू लीगल कॉलेज। मेरा नाम यार पिता, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर वन देखो बहुत सारे ईयर्स के पेपर हैं, लेकिन क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है इसलिए सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता क्या आता है क्या नहीं आता लेकिन जो पेपर अवेलेबल है

होल्ड कर दिया गया है फ्रेश डेट बाद में अनाउंस करी जाएगी यानी आपको थोड़ा और समय मिल गया है तैयारी करने के लिए तो तैयारी सटीक रहे स्ट्रैटेजिक रहे इसके लिए क्या करना है मैं बताती हूं अगर हम इंग्लिश के पेपर देखें आपके ठीक है तो तीन साल के पेपर्स यानी 2018 2020 और 2022 2018 में पैटर्न कुछ और था 2020 और 22 में अलग है तो अगर हम ये देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि 2018 हजार अठारह में छह पैसेज आए करेक्शन एक भी नहीं था वो कैब में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आए थे सीक्वेंस अरेंजमेंट के कोई क्वेश्चन नहीं थे सिनोनिम एंटोनिम के दस सवाल थे स्पॉटिंग द एरर के पांच सवाल थे फाइंडिंग द सेंटेंस के पांच सवाल थे एंड करेक्ट यूजेज के दस सवाल थे लेकिन अगर हम 2020 और 2022 से इसे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि पैसेजेस छह रहे 2022 में 2022 में पांच पैसेजेस आए सेंटेंस करेक्शन 2020 में सात सवाल आए थे 2022 में पांच आए वो क्या आपसे भी पांच सवाल आए 22 में तीन इसमें आए थे सीक्वेंस अरेंजमेंट के कोई क्वेश्चन नहीं देखे गए 2022 में नो क्वेश्चन करेक्ट यूज एज के पांच क्वेश्चन देखे गए थे तो पांच 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 क्वेश्चन का ये फॉर्मूला इस साल भी रिपीट हो सकता है है ना तो इसीलिए इन टॉपिक्स को तो आपको तो बहुत अच्छे से, से देख के जाना चाहिए पैसेज आपको अच्छे से करके जाना चाहिए सेंटेंस करेक्शन वो कैब एंड करेक्ट यूजेज करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड करेक्ट यूजेज ऑफ सेंटेंस ये दोनों चीजें अच्छे से करके जाना चाहिए ये था इंग्लिश का मूविंग ऑन टू क्वांट यानी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो देखिए 2018 में सीरीज से आए थे पांच सवाल दो में भी पांच सवाल 2022 में इसे कम कर दिया और दो सवाल पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस का 2020 में एक सवाल आया 2018 में तीन सवाल आए और 2022 में एक भी सवाल नहीं आया एवरेज का सवाल एक पूछा गया था 2020 में 18 और 22 में एक भी नहीं पूछा गया स्पीड से सवाल दो सवाल आपसे पूछे गए थे 2020 में 2018 में एक सवाल आया था और 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया नेक्स्ट एज से रिलेटेड क्वेश्चन एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था 2018 में दो सवाल आए थे 2022 में कुछ नहीं पूछा गया इंटरेस्ट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से हर साल एक सवाल आता ही है इसके अलावा रेशियो भी रिपीट हो रहा है हमने 2020 में भी देखा था और तीन क्वेश्चन 2022 में भी देखे रो एंड करंट से सवाल 2020 में भी आया था 22 में भी आया था 18 में नहीं आया था परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आ ही रहा है एवरी सिंगल ईयर तो देखिए परसेंटेज से भी क्वेश्चन आ रहा है इसके अलावा वर्क से अगर मैं एक सवाल देखूं तो वर्क का भी क्वेश्चन आ रहा है 2020 में भी एक आया था 2022 में भी एक आया था डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे 2020 में पांच सवाल आए थे 2018 में दस सवाल आए थे और 2022 में भी 10 सवाल आए थे इसके अलावा अगर मैं ग्राफ पाई चार्ट के बारे में बात करूं तो 2018 के बाद इसे नहीं पूछा गया है अर्थमेटिकल ऑपरेशन इससे भी सवाल नहीं आए हैं 18 के बाद सरकम एरिया इससे भी 2018 के बाद क्वेश्चन नहीं आए हैं वेरिएबल से जरूर दो में दो सवाल पूछे गए थे इसके बाद जनरल नॉलेज पे अगर हम आए तो आप देख सकते हैं करंट जनरल नॉलेज का करंट जीके का कितना ज्यादा बड़ा पार्ट है यहाँ पे 2020 में 17 क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज से सिमिलरली 2022 में 18 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे एंड सिर्फ दो ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे तो अगर आप स्टैटिक जीके पूरा ही छोड़ देते हो तो भी चल जाएगा आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करते हो तो भी चल जाएगा नेक्स्ट देखते हैं तो रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं बेटा एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग में अगर देखें तो पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है पजल्स 2022 में 12 पजल्स पूछी गई थी 2020 में 9 पजल्स पूछी गई थी 18 में भी 20 पूछी गई थी यानी ये वाले चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है करना ही है सीटिंग अरेंजमेंट अगर देखें तो 2020 में सवाल आया है 2022 में भी सवाल आया है बाकी नंबर टेस्ट रैंकिंग वेन डायग्राम डायरेक्शन स्टेटमेंट कंक्लूजन ब्लड रिलेशन स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन इन चीजों से सवाल कम बने एंड 2018 के बाद कम ही पूछे गए हैं कोडिंग के ऊपर जरूर लास्ट ईयर भी दो सवाल पूछे गए थे अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो सिर्फ 2018 में ही सवाल पूछे गए थे 2020 2022 दोनों ही जगह आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया तो अगर आप एल की तैयारी कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इस पार्ट को छोड़ सकते हैं एंड सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग में पजल्स के ऊपर देते हुए पढ़ सकते हैं ये सारा डेटा दिखाने का क्या इंटेंशन है ताकि आप इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर पाए अगर आपको इंग्लिश लगता है कि इंग्लिश से जो सवाल रिसेंटली पूछे जा रहे हैं उन सवालों में आप ये वाली चीजें अच्छे से पढ़ सकते हो या वो वाली चीजें अच्छे से कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इंग्लिश की तैयारी कर लो क्वॉंट में जो टॉपिक्स आ रहे हैं एग्जाम में उन टॉपिक्स में अगर आपकी पकड़ अच्छी है वो टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो कौन की तैयारी कर लो अगर आप इन चार सब्जेक्ट्स में से दो सब्जेक्ट्स भी अच्छे से करके जाते हो ना तो ये फर्स्ट पेपर निकालना बहुत आसान है इसीलिए टॉपिक वाइज बाइफरकेशन मैंने बताया है आपको कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए थे कितना आपको आ सकता है क्या पूछा जा सकता है इसका अंदाजा हम लगा सके ताकि वो दो सब्जेक्ट चुनते समय आपको पता हो अगर ऐसा है कि आपका क्रिटिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए आप एल सोच रहे हो एलआर सोच रहे हो एल फोकस करने का तो थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट टू पेपर्स में तो कुछ भी सवाल नहीं पूछा गया तो ये ध्यान रखते हुए पेपर करना अच्छा अब एक और चीज अगर आप तैयारी कर रहे हो अपने सेबी ग्रेडे की तो आपने नोटिस किया होगा कि इस चीज के ऊपर आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत ही कम है स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन का तो सेबी एक्ट हो गए सेबी के रेगुलेशंस हो गए इनका मेन्स का मटेरियल बहुत बहुत लिमिटेड है तो तैयारी कैसे करें देखो मैं बताती हूँ अगर आप टेस्ट सीरीज सेक्शन पे जाएंगे यहाँ पे लॉ पीजी एंड बैंकिंग पे जाएंगे एंड यहां से सेबी पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी एक टेस्ट सीरीज इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल आपको टोटल कितने मार्क्स दिए जाएंगे तो आपको कंसोलिडेटेड जिसमें से पेपर 1 के 10 पेपर के 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 टोटल 40 आपको यहां पे मिलेंगे इसके अलावा दिस इज नॉट इट आपको यहाँ पे मिलेगा प्री एंड मेन्स का प्रॉपर स्टडी मटेरियल जिसमें सारे इंश्योरेंस सारे रेगुलेटरी एक्ट भी कवर होंगे तो आप अगर तैयारी कर रहे हो सीरियस हो एंड जो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है वो अच्छी बात है उसके उसको है, उसको यूज करने के लिए ये वाला टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल ये वाला ले ही लो तैयारी घर पे बैठ के करो खुद से करो लेकिन थोड़ी मेहनत थोड़ी मेहनत बचाओ अपनी इस समय को यूटिलाइज करो अगर यहाँ पे नोट्स बनाने बैठोगे तो बहुत ज्यादा लंबा समय चला जाएगा इसीलिए नोट्स अभी मत बनाओ नोट्स की तैयारी अभी मत करो अभी किस चीज की तैयारी करो अभी सिर्फ पढ़ने की तैयारी करो रेडीमेड स्टडी मटेरियल रेडीमेड मॉक टेस्ट उससे तैयारी करो ताकि तैयारी बहुत अच्छी हो पाए आई होप दिस हेल्प अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड सेबी की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दो उसे जरूर बता दो कि सेबी की टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल स्ट लीगल एज आफ्टर कॉलेज लेकर आ चुका है एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो व्हाई नॉट एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दो थैंक यू सो मच गाइस हैव अ ग्रेट डे